तो फ्रेंड्स, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बूटस्ट्रैप को लोकल में कैसे सेटअप करते हैं और बूटस्ट्रैप को CDN के जरिए कैसे सेटअप करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वी बिगिन। तो सबसे पहले आपको जाना है getbootstrap.com की साइट पर। आप लिख सकते हैं getbootstrap या फिर bootstrap 4। ये देखिए, ये साइट आ गई getbootstrap की। तो getbootstrap में जाना है आपको डाउनलोड सेक्शन। अब आप कुछ सेक्शन देख सकते हैं, जैसे कंपाइल्ड CSS एंड JS, सोर्स फाइल वाला सेक्शन एंड एक बूटस्ट्रैप CDN का सेक्शन। तो हमें इन तीनों से कंपाइल्ड CSS एंड JS वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ डाउनलोड पर जो बटन है, डाउनलोड पर क्लिक करिए, तो वहाँ से आप फाइल्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, फाइल डाउनलोड हो गई हमारी। अब हम इसे करेंगे एक्सट्रैक्ट। आप उसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर दीजिए। अब हम इसे कर देंगे डिलीट zip फाइल को। ये देखिए, अब हमारे पास दो फोल्डर हैं, CSS एंड JS। CSS में इतने सारे फाइल्स हैं एंड JS में इतने सारे फाइल्स हैं। हालांकि ये कैसे रहते हैं, इसमें मिनीफाइड वर्जन्स भी रहते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे मिनीफाइड क्या होता है। तो हम पहले एक फाइल HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो आपके पास जो भी एडिटर है उसमें आप अपना एक HTML फाइल क्रिएट कर लीजिए। हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन फोल्डर है उसके अंदर ही index.html करके एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। देखिए, हमारा फाइल तो सेव हो गया, लेकिन अभी इसमें कोड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे HTML। तो विजुअल कोड स्टूडियो कोड जो है वो ऑटोमेटिक, हम जब HTML लिखते हैं तो बेसिक लिख के दे देता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम H1 टैग में एक डेटा लिखते हैं, टेक्स बूटस्ट्रैप। तो जब हमने बूटस्ट्रैप सेटअप नहीं किया है तब कैसा ये HTML फाइल दिखेगा वो हम दिखाएंगे। उसके बाद हम इसमें जब बूटस्ट्रैप ऐड कर देंगे तो वो किस तरीके का दिखाई देगा वो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे देखिए, अभी हम इसको रन करेंगे ओपन विथ क्रोम। ये देखिए, अब ये इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन जब हम इसमें बूटस्ट्रैप का लिंक ऐड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक स्टाइल के अंदर आ जाएगा। तो उसको लिंक करने के लिए पहले हमें टाइप करना लिंक रेल स्टाइल शीट href। अब देखिए CSS। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ पहला ही कॉपी करते हैं bootstrap.min.css, उसको हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे css/ फाइल का नाम .css। css इसके लिए क्योंकि वो css के फोल्डर के अंदर है, इसके लिए। अब और हमें स्क्रिप्ट टैग भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको बॉडी के ऊपर जस्ट ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। अब इसका भी हमें सोर्स चाहिए, तो सोर्स है js के अंदर, JS फाइल जो है फोल्डर है उसके अंदर। अब यहाँ से हमने कॉपी किया bootstrap.min.css, कॉपी किया। अब हम क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे फाइल के अंदर, या अब यहाँ लिखेंगे js/ फाइल का नाम .js। अब हम इसे करेंगे सेव। अब कंट्रोल एस या फिर आप सेव यहाँ से कर लीजिए। कंट्रोल एस करने के बाद जब हम उसे रन करेंगे तो देखेंगे आपकी फॉर्मेट इसका चेंज हो गया है, ये देखिए। तो आगे हम देखेंगे कि CDN से कैसे करना है ऐड। अब हम सेटअप करेंगे CDN के ज़रिए। तो उसके लिए पहले आप अपना HTML फाइल क्रिएट कर लीजिए। तो जैसे हमने पीछे क्रिएट किया था, तो इसमें क्या आया, हमें फाइल्स डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, उसका एक्सटर्नल लिंक्स आता है, बस वो हमें इसे इसमें कॉपी पेस्ट कर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक मैं नॉर्मल HTML फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ये हमारा नॉर्मल HTML फाइल हो गया। यहाँ पर आप टाइटल डाल दीजिए, मैं लिखता हूँ टेस्ट बूटस्ट्रैप, जैसे कि हमने पीछे ही लिखा था। अब इसके अंदर हम डेटा ऐड करते हैं, H1 एक डमी ऐड करेंगे, H1 H2 जो भी, H1 हम बेसिक यूज़ करते हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं बूटस्ट्रैप सेटअप, इसको करेंगे सेव। अभी हमने इसमें CDN इंक्लूड नहीं किया है, तो अभी हम इसको रन करता हूँ। तो देखिए किस तरीके का ये दिखाई देगा। ये देखिए, ये पिछले बार की तरह ही दिखाई दे रहा है, जैसे हमने बूटस्ट्रैप सेटअप नहीं किया था तब। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर CDN ऐड करना है। तो CDN ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बूटस्ट्रैप की साइट पर, कि हमें कौन सा वर्जन का CDN ऐड करना है वो डिसाइड करने के लिए। तो getbootstrap.com पर गए। देखिए यहाँ पर वर्जन दिया है आपको, ये अगर आप वर्जन सिलेक्ट करेंगे 3.7, तो आप वहाँ से 3.7 का CDN ले सकते हैं। अभी हम लेते हैं 4.4 का CDN। तो अब हमने यहाँ से देखिए, ये बूटस्ट्रैप CDN है, कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी किया। अब हम उसे हेड में
हेड टैग के अंदर ऐड कर देंगे। अभी हमने यहाँ पर JS भी इंक्लूड किया है एंड CSS भी इंक्लूड किया है, तो हम क्या करेंगे कि जो JS की फाइल है, मीन JS का जो लिंक है, उसको जस्ट बॉडी के अबव रखेंगे एंड CSS का लिंक वहीं रहने देंगे। तो इस तरीके से हमारा बेसिक CDN के ज़रिए बूटस्ट्रैप सेटअप हो गया। इसमें क्या होता है, हमें कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, वो एक्सटर्नल लिंक्स के ज़रिए ही रहता है। करिए सेव। आप देखिए, अब हम इसे रन करेंगे तो किस तरीके से हमारा फाइल दिखाई देगा। तो ये देखिए चेंज, इस तरीके से हमने सेटअप कर लिया CDN से ज़रिए बूटस्ट्रैप। तो देखने के लिए धन्यवाद। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।